नमस्कार, बंशीलाल पालीवाल। आज मैं सिर्फ आपसे एक वार्ता करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के जो कमेंट्स पढ़ता हूँ उसमें अगर माना कि मैंने अगर पैनासोनिक के कोई वीडियो बनाए हैं तो आपके प्रश्न किसी दूसरे मॉडल के बारे में आ जाते हैं, या मैंने सोनी के बारे में अभी जो मैं वीडियो दे रहा हूँ तो उसमें भी सोनी के जो लोअर जितने भी मॉडल्स आए थे उसके बारे में क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। यहां मैं आपको एक थोड़ा सा संतुष्टि देना चाहता हूं। मैं तो कोशिश करता हूं कि आप जितने प्रश्न पूछते हो उसके उत्तर में सब आपको दे दूं। अब आपको सिर्फ एक चीज समझना है यहां पर कि कैमरे ये जैसे सोनी का है या ये पैनासोनिक का है, तो इन दोनों कैमरे में जो समानता है वो मॉडल नंबर कोई सा भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। एक्सपोजर करने की या एक्सपोजिंग करने की या एक्सपोजर सेट करने के जो आइडियाज हैं वो मैं इस कैमरे के माध्यम से आपको बता रहा हूं, और जिस किसी भी मॉडल का कैमरा है उसमें हमें वही तो आइडिया काम में लेना है। फर्स्ट हमें लाइट देखना है कितनी लाइट है, दूसरा हमें सारे कैमरे के अंदर वाइट बैलेंस को देखना है, कितना वाइट बैलेंस कैसा क्या सेट हो रहा है, किस प्रकार की लाइट है, येलो लाइट है या ब्लू लाइट है या कोई दूसरी अलग कलरफुल लाइट्स है, तो वो हमें चेक करना है। उसके बाद में हम कैमरा किसी भी व्यक्ति के ऊपर फोकस करते हैं, फोकस करके हम सीधा जो एलईडी होती है हमारी व्यू जहां से हम देखते हैं वीडियो को, तो वहां पर हमें देखना है, और देख करके हमें ये जो बटन्स लगे हुए हैं इसके हर कैमरे के अंदर बटन होते हैं। अब किसी के अंदर जैसे इसमें 3 रिंग दिया हुआ है तो किसी में सिंगल रिंग ही होती है, तो वो अंदर जो सेटिंग होती है उसमें जाकर के हम उसका गैन, शटर और आइरिस, इन 3 चीजों को हमें कंट्रोल करना रहती है। मुख्य रूप से तो 5 चीजें हो गई, और फिर 6ठी चीज अगर हमें आपको ध्यान देना है तो वो है हमारा कार्ड इसके अंदर कौन सा लगा हुआ है, और कार्ड अगर हमने अच्छा लंबा चौड़ा डाल रखा है, बड़ा डाल रखा है 64 GB या 128 GB का, तो हम इसमें फाइल साइज ले लेते हैं। अब फाइल साइज ज्यादा से ज्यादा बड़ी जो होती है साइज, वो हमारा ये कैमरा किसी भी मॉडल का हो वो कितनी फाइल को सपोर्ट करता है, कितनी बड़ी फाइल को सपोर्ट करता है, वो फाइल साइज हम ले लेते हैं। और जो हम इसमें जो फाइल साइज आती है उसको यदि हम इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो सारी कंप्यूटर के ऊपर आराम से प्ले हो जाती है, और जब हम एडिटिंग करते हैं तो उस समय उसको हम जिसमें आप चाहें फुल HD रखना चाहें, जो MPG होती 1, MPG 2 रखना चाहें, AVI रखना चाहें, DV रखना चाहें, तो वो वहां से आप आउटपुट कर सकते हो। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि मैंने अगर पैनासोनिक का बताया तो पैनासोनिक के लगभग जितने कैमरे हैं उसमें एक जैसा सिस्टम होता है। हमें करना क्या है, एक्सपोजर ही तो सेट करना है, और एक्सपोजर में तो 3 चीजें हो रही है, फिर 4थी 5वीं चीज तो हमें लाइट देखना है, लाइटिंग कंडीशन देखनी है, वाइट बैलेंस देखना है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि मुझे जिस प्रकार से कैमरे मिलते रहते हैं उस प्रकार से मैं उस पर वीडियो देना शुरू कर देता हूं। अब हर एक कैमरे की सेटिंग को दिखाना और किसी एक चैनल पे दिखाना तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, और हमें सिर्फ जो सीखना है वो एक्सपोजर कैसे सेट किया जाता है उसी के बारे में जानना है, ज्यादा हमें उलझन में नहीं पड़ना है। अब अगर मैं उदाहरण के रूप में आपको दूं, या हम कार ड्राइव करते हैं, कोई सी भी कार हो उसका सिस्टम हो का वही गियर कैसे लगाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप जो भी होता है, रिवर्स सारा एक जैसा होता है। अब कार चलाते चलाते यदि हम ट्रैक्टर चलाना चाहें वो भी चला सकते हैं क्योंकि सेम है, थ्योरी जो है वो तो बिल्कुल सेम है, बाइक का जो तरीका है वो सेम है। तो यहाँ पर हम जिस प्रकार से सारे वाहन को चलाते हैं उसमें मॉडल अलग हो सकता है, उसमें फैसिलिटीज अलग हो सकती है, उसमें फीचर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग का तरीका तो वो कभी होता है। हम मोबाइल से जब शूट करते हैं तो उसमें भी ये कई तरीके हैं, फोकस भी लॉक कर सकते हैं, हम वाइट बैलेंस भी लॉक कर सकते हैं, तो सारा कुछ आता है। तो आप सिर्फ इस बात को समझें कि कैमरे किसी भी मॉडल के हो उसका जो ऑपरेटिंग का जो सिस्टम है वो बिल्कुल एक ही सिद्धांत के ऊपर है, अलग अलग सिद्धांत नहीं है। इसमें कुछ नाम अलग दे दिया है, इसमें कुछ नाम अलग दे दिया है, तो ये आप मत घबराइए और आराम से अपने कैमरे को समझिए और अपने कैमरे पे तरह तरह के प्रयोग कीजिए,
जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई एक सामने खिलौना रख के, टॉय रख के, तो आप भी ऐसा कीजिए घर के अंदर बैठ के। जब हम फील्ड में जाते हैं तो उस समय तो हम बिल्कुल वास्तविक रूप से काम करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ प्रयोग हमें घर पे करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करते रहो, जो कुछ हो रहा है हमें लाइव दिख रहा है, और जब लाइव दिख रहा है तो हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको यही बताना चाहता था, कैमरा कोई सा भी मॉडल का हो, सिद्धांत एक है। कार किसी भी मॉडल की हो, सिद्धांत एक है। कुछ कार ऑटो होती है तो उसमें सारे गियर वगैरह भी ऑटोमेटिकली आते हैं, तो वो एक अलग ये है। और हम अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हम इसको भी ऑटो पर लेकर के एक बार काम कर सकते हैं। वेडिंग शूटिंग के अंदर महत्वपूर्ण होता है कि उसका जो वो शॉट है वो हम कैसे भी करके इसमें कलेक्ट कर लें। बाद में हम पोस्ट प्रोडक्ट जब करते हैं तो उसमें 19-20 का फर्क जो होता है वो हम निकाल सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, ब्राइट कंट्रास्ट वगैरह सारा कुछ बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा कलर हल्का फुल्का हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। घबराए नहीं, प्रैक्टिकल कीजिए, सीखिए। कोई भी मॉडल का कैमरा हो आप कोशिश कीजिए। लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।